दिनों में मौसम ने ली करवट तो लखनऊ में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया है। हर तरफ छाया घना अंधेरा, वही तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश भी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई है। तेज हवाओं से मौसम खुशनुमा हुआ है तो आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौसम का मिजाज बदला है। हवाओं के बीच कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई है तो कई इलाकों में बूंदा बांदी भी हुई है। तो लखनऊ वासियों को गर्मी से राहत मिली है, हर तरफ घना अंधेरा भी छाया रहा। इस दौरान लखनऊ के कई इलाकों में झमाझम बारिश भी हुई है तेज रफ्तार हवाओं के साथ। चंदौली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, निकाय चुनाव से पहले चंदौली पुलिस को एक बेहद ही बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस दौरान चंदौली पुलिस ने गांजे के साथ दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। ऑटो में गांजा छुपाकर ले जा रहे थे तस्कर, इस दौरान चंदौली पुलिस ने दोनों ही तस्करों को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है, जहां ऑटो में तस्करी करके जो तस्कर है वो गांजा लेकर जा रहे थे, इस दौरान पुलिस ने दोनों ही तस्करों को गिरफ्तार किया है। यूपी से बिहार गांजा लेकर ये तस्कर जा रहे थे, जिसकी अनुमानित कीमत 12 लाख बताई गई है। तत्काल इस पर मुकदमा लिख के आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनके पूरे ग्रोह के बारे में जानकारी की जा रही है कि कहां से माल लाते हैं और किसको किस पर आगे सप्लाई करते हैं। सभी के ऊपर गैंगस्टर की आगे कार्रवाई की जाएगी। कितने की गांजा बरामद हुई है सर? लगभग ये 10 से 12 लाख की गांजा, इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 10 से 12 लाख की है, क्योंकि अवैध गांजा है और जो लग रहा है कि बिहार की तरफ से ही लोग लेके आते हैं, समुद्र की तरफ लेके जाते हैं बांधवगढ़। तो चेकिंग अभियान में लगातार इसमें कार्रवाई हो रही है। सर, नवगढ़ क्षेत्र में बार बार गांजे की जो खपत हो रही है वो बार बार दिखाई देता है कि आता है, ये सर कब तक मामला भी? देखिए, ये ट्रांजिट रूट ज़्यादातर यूज़ होता है, जो भी चीज़ें सामने हैं, जैसे इस प्रकरण में भी जो जानकारी हुई कि ये सोनभद्र की तरफ लेके जा रहे थे। तो लखनऊ में मायावती ने मेयर के 7 और प्रत्याशी घोषित किए हैं। मायावती ने मेयर पद के लिए 7 और प्रत्याशियों की एक सूची जारी की है। कानपुर से अर्चना निषाद बनी बीएसपी मेयर प्रत्याशी, जबकि मेरठ से हसमत अली को बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है मेयर पद के लिए। तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मेयर प्रत्याशियों की एक सूची जारी की गई है, जहां शाहजहांपुर से शगुफ्ता को मेयर प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि अयोध्या से राम मूर्ति यादव पर बसपा ने एक बड़ा दाव खेला है। गाजियाबाद से निसारा खान को बनाया गया है बीएसपी मेयर प्रत्याशी। तो 7 और मेयर प्रत्याशियों की एक लिस्ट जो है वो बसपा ने जारी की है। इस दौरान अलीगढ़ से सलमान साहिद को बीएसपी ने मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है, जबकि बरेली से यूसुफ खान बीएसपी को प्रत्याशी बनाया गया है मेरठ पर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़े हैं। विभांशु, मायावती ने 7 और प्रत्याशियों के एक लिस्ट जारी की है, इनमें बड़े नाम कौन से बताए गए? जी, आपको बता दें, मुस्कान की बहुजन समाज पार्टी की तरफ से फेज 2 के जो तमाम मेयर के प्रत्याशी हैं उनके नामों का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि कानपुर नगर से अर्चना निषाद जो कि लंबे अरसे से कहीं ना कहीं पार्टी में जुड़ी हुई हैं और विभिन्न पदों पर रही हुई हैं, ये एक बड़ा नाम है जिसे कहीं ना कहीं कानपुर से उतारा गया है। साथ ही आपको बताएं कि अयोध्या नगर निगम से जहां समाजवादी पार्टी और भाजपा अपने दावे जीत के दावे कर रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं एक यादव बिरादरी को टिकट देकर और बसपा खेल खराब कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब अयोध्या का मुकाबला राम मूर्ति यादव के उतरने के बाद कहीं ना कहीं अब रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है, क्योंकि राम मूर्ति यादव एक लंबे समय तक समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहे हैं और विधानसभा चुनाव के दौरान ये बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा बने थे। वहीं अगर बात की जाए तो बरेली में श्री यूसुफ खान को प्रत्याशी बनाया गया है, अलीगढ़ में सलमान साहिद को बनाया गया है, ऐसे 7 नगर निगम। ठीक है विभांशु, जिस तरीके से बसपा ने ये अपनी लिस्ट जारी की है तो इसमें ज्यादातर मुस्लिम प्रत्याशियों के नाम निकल के सामने आ रहे हैं, तो इसके जरिए क्या मायावती ने मुस्लिम वोटर्स को साधने की कवायद की है, ये समझा जाए? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि फेज 1 में 60% जो सीटें थे उस पर कहीं ना कहीं
सुश्री मायावती की तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट पर भरोसा जताया गया है, ठीक वैसा ही फेज टू के लिस्ट में देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तो 2022 के चुनाव में भी ठीक ऐसा ही देखने को मिला था, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अंदर में MY जो सेक्टर है उस पर कहीं ना कहीं एक अहम हथियार बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतार कर दिया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये जो कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया गया है जिसमें 60% मुस्लिम कैंडिडेट को दिया गया है और 20% OBC और SC समाज को मौके दिए गए हैं, तो क्या इस समीकरण से बसपा की नैया पार हो पाएगी वो चुनाव के नतीजों के बाद? बिल्कुल, ये तो नतीजे ही बताएंगे। लेकिन आज मायावती ने अपने 7 नए मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। धन्यवाद विभांशु हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक जानकारी पहुँचाने के लिए। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच